इस वक्त बस हर ओर उत्तर प्रदेश परीक्षा बोर्ड के टॉपर्स सुर्खियों में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं के टॉपर की बात करें तो प्रियांशी सोनी ने राज्य में अपना नाम रोशन किया है। प्रियांशी सोनी ने 600 में से 590 अंक लाकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। 10वीं के रिजल्ट में दूसरे नंबर पर कानपुर देहात के कुसागर पांडे ने बाजी मारी है। कानपुर देहात के आर्यभट्ट विद्या मंदिर के छात्र कुसागर पांडे ने 97.83% अंक हासिल किए हैं। अब कुसागर का सपना है कि वो डॉक्टर बने। हालांकि कैसे कुसागर इस मुकाम तक पहुंचे, उनसे ही सुनिए। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और मेरे जो बड़े भाई बहन हैं और जो मेरे स्कूल के सभी अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी, सभी को देना चाहूँगा। किस हिसाब से आपने पढ़ाई की दूसरा स्थान? मेरा मानना था कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि रात को देर तक पढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह चाहे आप जितनी भी जल्दी उठ जाएं, क्योंकि सुबह हम लोग का माइंड फ्रेश होता है और हम लोग को उतनी जल्दी कवर होता है। और ये ज़्यादा वो नहीं रखता है कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, ऐसा वो सही नहीं है। आप जितना पढ़ें उतना कवर भी करते जाएं। और रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, समय समय पर रिवीजन भी सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि आप आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते ही जा रहे हैं। आगे की पढ़ाई किस तरीके की जारी रखेंगे आप? मैं चाहता हूँ आगे अपना क्या लक्ष्य रहेगा? मेरा लक्ष्य यही है, जैसे मैंने हाई स्कूल में टॉप किया वैसे मैं आगे चल के इंटर में भी दोबारा से टॉप करूँ। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। पूरा श्रेय आपको ये जो पढ़ाई का पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता, स्कूल के सभी शिक्षकों को देना चाहूँगा। कुसागर की इस उपलब्धि से परिजन और शिक्षक बेहद खुश हैं। उनके गांव में बधाई देने के लिए घर के बाहर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लग गया है। कुसागर पांडे बहुत ही परिश्रमी लड़का था और शार्प माइंड है, आज्ञाकारी है, और जैसे हम लोग राइटिंग आइटिंग में भी फोकस करवाते हैं कि राइटिंग भी और कापी में कटिंग ना हो, साफ सुथरी कापी बच्चा लिखे, इसके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत प्री बोर्ड परीक्षाएँ करवाते हैं। हम लोगों ने कम से कम 50 सेट, नया नया प्रावधान लगा था OMR सीट वाला, तो बच्चे जानते नहीं जो OMR सीट भरी कैसे जाती है, तो कम से कम 40-50 सेट परीक्षाओं में हमने OMR सीट भरवाई थी। तो प्रैक्टिस और आखिरी के 3-4 महीने मोटिवेशन जो बच्चों का करते हैं, समझाते हैं उनको और उत्साहित करते हैं, तो बच्चों में कंपटीशन पैदा होता है और वो 8-10 घंटे 2-2 बजे रात तक अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात करें कुसागर की, जी कुसागर का परिवेश कैसा है, किस तरीके का उसका मतलब उसके पारिवारिक स्थिति है? हाँ, पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, गरीब घर का बच्चा है। कुसागर के पिता राजेश कुमार पांडे भी उसी विद्यालय के शिक्षक हैं जहां से कुसागर ने पढ़ाई की। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के तौर पर राजेश की सैलरी काफी कम है। कुसागर के परिवार की तंगहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केवल पिता और भाई को छोड़कर परिवार के किसी के पास मोबाइल नहीं है। पिता और भाई के पास भी कीपैड मोबाइल ही है, स्मार्टफोन नहीं है। और ऐसे में कुसागर ने अपनी मेहनत की दम पर ही बुलंदी के झंडे गाड़े। इस साल 29 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी। इस बार 10वीं में कुल 89.78% स्टूडेंट पास हुए। वहीं 12वीं का कुल रिजल्ट 75.52% रहा।